बहुत स्पाइसी है. Oh my god, this is spicier than that one. This is hot and spicy for those special days. Sorry! बहुत मरते हैं. Spicy इतना है ना, बोले नहीं जा रहा मम्मी से. Also, sorry. Hi you guys and welcome back to my vlog channel. तो आज है बहुत ही स्पेशल व्लॉग, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ कुकिंग. फर्स्ट कुकिंग नहीं, सेकंड कुकिंग वीडियो थी जो कि मैंने चैलेंज किया था स्पाइसी रामेन का, एंड जो कि मैंने किल कर दिया था. बाय द वे, अगर आपने नहीं देखे तो अभी यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, जाकर देख लो. सो आज मैं फिर से रामेन कुक करने वाली हूँ, क्योंकि पायल के पास न्यू रामेन आई थी कहीं से गिफ्टेड, एंड आई वॉज लाइक तू अभी मत बनाइयो, इसको खोलियो मत, इस पर तो मैं वीडियो बनाऊंगी. आई विल शो माई ऑडियंस कि इनका एक्चुअल टेस्ट एंड ऑल क्या है. So, drum rolls please. So, apparently these are 2 yums K-bomb ramen करके कुछ है. And मैं भी first time ही try करने वाली हूँ, तो आपको दिखाती हूँ कि 3 type की varieties आई हैं. मतलब ये sponsored video नहीं है, but I'm just so excited to try it. Otherwise मैंने काफ़ी time से मैगी भी नहीं खाई है, मैं ये बता दूँ तुम लोगों को. सबसे पहले है हमारे पास टॉम यम K-bomb ramen. Then this is hot and spicy for those special days when you just want to eat spicy. And then there is mee goreng noodles. And I think in tino mein se main choose karungi isko, kyunki mujhe tom yum flavor thoda kam pasand hai and itna main spicy khana nahi chahti hu. Spicy challenge to main pehle hi kar chuki hu. So I will go ahead and cook mee goreng noodles. Also घर में आज बनी है खिचड़ी, तो मैंने कहा करते हैं हम कांड and बनाते हैं noodles. वैसे तो मुझे खिचड़ी खाना भी बहुत पसंद है, but it's just that today I'm not in the mood. Also मैंने आप लोगों के साथ vlog share नहीं किया है काफ़ी time से, तो मैंने कहा चलो noodles बनाते हैं फिर, वो भी new. Like Maggie and all तो सब बनाते. This is something I got new. मैंने अपना चश्मा भी पहन लिया है एंड हमने रामेन भी खोल लिए हैं. आपको एस्थेटिक शॉट्स तो दिखाई दिए थे मैंने. एंड दिस इज द रामेन एंड दिस इज द रामेन मसाला, जिसको हम करेंगे कुक. आई एम जस्ट टू एक्साइटेड. अनहेल्दी खाने की एक्साइटमेंट तो देखो इस लड़की को. टू बैड. सो आई हैव गॉट 1 pan, गैस ऑन करेंगे एंड अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी, जिससे कि हमारी रामेन अच्छे से बॉयल हो जाए. एंड आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग इट ओरिजिनली रामेन की तरह ही, मतलब विदाउट वाटर, क्योंकि ये लोग जो है बिना पानी के ही बनाते हैं. तो पहले पानी को बॉयल होने देते हैं, फिर डालूंगी रामेन. अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मैं इसमें कुछ वेजीज भी डालूं या नहीं डालूं, या ओरिजिनली जैसी की वैसी वो है उसका फ्लेवर टेस्ट करूं. लेट्स ओपन दिस एंड सी कि इसकी फ्रेग्रेंस वगैरह कैसी है, उससे मुझे पता चलेगा कि लाइक डू आई नीड एनीथिंग एल्स और नॉट. ओके, इसकी पता कैसी है स्मेल, जैसे हम चाइनीज खाते हैं ना बाहर, और वो हमेशा स्वीट एंड स्पाइसी वाली फ्रेग्रेंस आती है उसमें से. मतलब समझ लो जैसे चिली पटेटोज में से स्मेल आती है ना, वैसी है. लेट्स सी, मैं ओरिजिनली इसको जैसी है ना वैसी ही बनाऊंगी. एंड या वरना मुझे पता कैसे चलेगा ये कैसी है, राइट? और अगर फिर कुछ चाहिए होगा तो वी विल पुट. तो अभी मैं इसको तोड़ कर फिर डालती हूँ. टूट गई, और मैंने इसको इसलिए तोड़ा है कि जिससे ये थोड़ी सी तो सेपरेट हो जाए. लेट्स बॉयल इट एंड टॉक. तो अभी मैंने पहना हुआ है मंगलसूत्र, नॉट बिकॉज क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, ओनली बिकॉज हम शूट कर रहे थे एंड हमने तो पिछले 2 महीने से कमाल ही कर दिया है. इतनी वीडियोस बना रहे हैं, इतनी स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं. ओह माय गॉड, मतलब कोई बस अवार्ड दे दो, बट इट्स फन आल्सो. ओके गाइस, तो ये रामेन हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बॉयल. अब मैं इसको जाके ड्रेन कर देती हूँ. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नहीं रुको, यस इससे करूँगी ड्रेन. छन्नी रख दी है, पैन लेके जाना होगा. मैंने पानी कर दिया है ड्रेन, लेकिन थोड़ा सा पानी बचा लिया है. ऑलराइट, लेट मी शो यू.
एज यू कैन सी इसमें थोड़ा सा मैंने पानी बचा लिया है जिससे कि जब मैं मसाला डालूं तो वो मिक्स हो जाए आसानी से। गैस को ऑन कर देते हैं मंदा एंड अब मैं डालूंगी इसमें मसाले। ओके गाइस आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। चलो डाल देती हूँ, सारा डालना है ना, सारा ही डालना होगा। मिक्स ओके। अब इसमें थोड़ा सा ना नमक भी डाल देती हूँ। तो चश्मा मतलब सही में इसमें ना चाइनीज जो होती है ना स्वीट एंड स्पाइसी कुछ लोग बनाते हैं बिल्कुल वैसी फ्रेग्रेंस आ रही है। आई एम नॉट इवन लाइंग। इसमें नमक तो जरूर डालना पड़ेगा, थोड़ा सा नमक। मेरे हिसाब से मैंने तो मतलब सही काम किया है। इसमें पानी है जो कि सूख रहा है, नमक ही डाल दिया है मैंने सिर्फ अभी एंड या आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट रेडी। फिर मैं इसको टेस्ट करूँगी। ओके गाइज आई हैव मेड अ ह्यूज मिस्टेक। मैं इस पैकेट को फेंकने वाली थी और मुझे पता चला इसमें कुछ ऑयल जैसा भी है एंड इसको मैं फटाफट डाल देती हूँ वरना ये आई डोंट नो खराब ना हो जाए। माय गॉड आई हैड नो आइडिया। मैं इसको लिटरली फेंकने वाली थी। आई गॉट टू से इसकी स्मेल आई एम नॉट लाइकिंग इट लाइक टू बी ऑनेस्ट। ठीक है एक बारी चेक कर लेती हूँ। या और कुछ नहीं बचा है। ओके बर्नर बंद करते हैं एंड इसको मैं डालती हूँ अपने फेवरेट बोल में। पायल भी आ गई है। कोरियन नूडल्स बना रही है? नहीं कोरियन वाले नहीं, मैंने तो वो इंडोनेशियन वाले बनाए हैं। इसका व्लॉग बन रहा है। इंडोनेशियन वाले बनाए यार, वो सुपर स्पाइसी थोड़ी खाऊंगी, आग लग जाती है। चलो ठीक है लेट्स टेस्ट इट। अगर ये अच्छा नहीं लगा तो फिर आई मेक अनदर वन। सो दिस इज हाउ दे लुक। कोई ज्यादा कलर नहीं है, वेरी प्लेन। स्मेल भी बहुत अच्छी नहीं है मैं बता दूँ। गर्म बहुत है, पायल कह रही है बदबू आ रही है इनमें से। क्या हुआ इनका? सही में यार मैंने स्मेल से बता दिया था तुम लोगों को। इनका टेस्ट जैसे चाइनीज खाने का होता है ना, स्वीट एंड स्पाइसी सा एंड सोय सॉस वाला वैसा टेस्ट है। मतलब इट्स ईटेबल बट इट्स नॉट समथिंग आई वुड फैंसी। गर्म होएगा एक मिनट। ये तो देसी चाउमीन जैसा लग रहा है ना? या सॉर्ट ऑफ चाउमीन वाइब है इसकी। या टेस्ट रामेन जैसा टेस्ट नहीं है। इट्स नॉट गुड। Yeah, it's not good. I mean, maybe. मतलब it's good. मैंने तो एक ही बार खाई है। Spicy होए तो मजा है। ऐसे चाउमीन जैसा है, एकदम चाउमीन वाला टेस्ट आ रहा है। पुनीता औरों को भी टेस्ट करा के देखते हैं। It's nice. मतलब now second time जब मैंने खाया तो same मेरे को भी ऐसे। तुझे भी ऐसे लगा? Yeah. So अभी मैं हूँ अपने डाइनिंग टेबल पे। सही है, आप लोग खा सकते हो इसको। द मोर आई ईट इट द मोर आई लाइक इट। मे बी बिकॉज इसके अंदर MSG है। यू नो MSG क्या होता है? MSG इज टेस्ट एनहांसर एंड ऑल दैट स्टफ एंड इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ एट ऑल। तभी तो कहते हैं जंक फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि जंक फूड में होता है MSG। बट मैं तो खा रही हूँ। ओके आई हैव ऑफिशियली फिनिश्ड दिस बोल ऑफ रामेन टॉमयम की जो की थी मी गोरेंग। ऑल्सो पायल बना रही है दूसरी रामेन मेरे लिए ही, कह रही है तू स्पाइसी वाली खा। तो चलो उसके पास चलते हैं। तो ये रही पायल कुकिंग करती हुई। यार उसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आपको 4 मिनट इसको कुक करना है एंड 275 ml वाटर में कुक करना है। और तो मैंने अपने हिसाब से ही डाला। शाबाश। लेकिन ये देख टाइमर लगा हुआ है 4 मिनट का। ओ हो। के बाद ही फैसला होएगा। ठीक है तो इसके साथ भी 2 मसाले मिले हैं ना? हाँ तो ये डालने हैं हमको इसके अंदर 4 मिनट बाद। पायल भी मेरी तरह थोड़ा पानी निकाल रही है और थोड़ा बचा लेगी। मैंने इसी से तो सीखा है ये सब कुछ। तो ये रेडी है ना? अब
अब इसमें डालते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो मैं दोबारा रामेन खाने के लिए रेडी हूँ। बिहाइंड माय बैक इज टू स्पाइसी रामेन। इसका नाम क्या था? पैकेट पे होगा ना? एक सेकेंड, ओ पायल ने तो पैकेट ही फेंक दिया है। वेरी गुड, बट मैंने उन लोगों को दिखा दिया था, सो इट्स फाइन। दिस इज हॉट एंड स्पाइसी फॉर दोज स्पेशल डेज। मैं ये बोल रही हूँ, ये रेडी टू ईट चीजें ही तो है एक्चुअली में। खानी नहीं चाहिए। आई नो, इसमें से आ रही है भाई स्मेल, वो जो स्पाइसी वाली रामेन की जो मैंने चैलेंज किया था ना। अच्छा दिख भी रहा है। एक सेकंड दिखाती हूँ आप लोगों को। क्या बात है, कितना सुना है, सुने जैसा मेरा मन, सुन सरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू। हाँ ये हो गया है, इट्स रेडी। मैं प्लेट लाती हूँ, प्लीज कैमरा के सामने आके टेस्ट करो और फूंक मार के। बहुत स्पाइसी है लेकिन बहुत टेस्टी भी है। वो वाला टेस्टी नहीं। इसको थोड़ा सा और सुखा दे पानी इसका, वरना मजा नहीं आएगा। मिर्ची लवर्स के लिए तो मजे ही आ जाएंगे और टेस्टी भी है। आई नीड टू माइक्स ऑनेस्टली। और पायल का खाना दिखाती हूँ। दाल चावल और शिमला मिर्च आलू की सब्जी। मैं को रियलाइज हुआ मैं कैमरा पे हूँ, जरा तमीज से बात कर लूँ। दाल चावल, ये क्या होता है? और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। ओह माय गॉड, कितने कैमरा कॉन्शियस होते हैं आजकल के यूट्यूबर्स। इमेज की ये पड़ी है यार, इन लोगों को इमेज की पड़ी है। तो चलो अब हम ये ट्राई करते हैं। तो मैंने तो थोड़ी सी ली है, मेरे पेट में ज्यादा जगह भी नहीं है, ओवर ईटिंग करनी भी नहीं चाहिए। सो हम इसको थोड़े से को ही पहले खाएंगे। Oh my god, this is spicier than that one जो मैंने खाई थी। I mean, जो एक उसका पता after taste आ रहा था spiciness का, इसका instant है। मतलब पहले ही पल से आपको मिर्ची का एहसास दे रही है ये। भाई इसमें तो मिर्ची है ना, और टेस्टी भी है। यस राइट भाई, बहुत मस्त लग रहा है। दाल चावल खाते हुए पहले दाल चावल छोड़ गई भाई साहब। भाई इसका पूरा बोल अगर कोई खाए ना तो है चैलेंज। तो आई चैलेंज यू गाइस, इसका हॉट एंड स्पाइसी खा के दिखाओ, क्योंकि अभी ही मुझे 3 ही बाइट में अगर ये नहीं खा सकते, मस्त गरम गरम फील करा रहा है अपने अंदर। एंड जिन लोगों को स्पाइसी पसंद होता है ना, आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस ट्राई दिस, दिस वुड बी गुड फॉर योर टेस्ट बड्स। लास्ट बाइट, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मुझे नहीं लगा था मैं आज ऐसा कुछ करने वाली हूँ। अभी हालत खराब हो गई बस हवा निकल गई। मम्मी पापा आ गए हैं एंड उन्होंने पकड़ लिया है हमें स्पाइसी नूडल्स खाते हुए। माय गॉड बहुत स्पाइसी है मम्मी, खा के देखना चाहोगी? चाहोगी देखना चाहिए। एक मिनट रुको गाइस, हमारे पास एक और कैंडिडेट आ गया है। ये व्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ है, इतना सा क्या? नहीं नहीं मैं इससे ज्यादा नहीं खाऊंगी, पता चले मेरा मुंह जल गया। अच्छे से लो यार। टेस्टी भी है ना लेकिन पानी सॉरी बहुत मर्चे हैं। ओह माय गॉड टेस्टी तो बहुत ज्यादा है। पानी पियो, पानी पियो। मम्मी को तो मजा आ गया स्पाइसी बहुत ज्यादा है। स्पाइसी इतना है ना, बोले नहीं जा रहा मम्मी से, एकदम से वो हिट कर गया उनको। तो एक और बंदा कर दिया है हमने अपनी मिर्ची से घायल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इस व्लॉग को एंड करने पे क्यों तुली हुई हूँ, आई डोंट नो। दीदी आप भी टेस्ट करो, पुनीता तू भी आ जा, आप तो खाते हो मिर्ची हमें पता है, सामने आओ कैमरे के। ये दोनों ही बहुत स्पाइसी खाते हैं। खाओ खाओ खाओ, मम्मी साइड भी हो जाओ अब आप, दीदी तो आई नहीं रही है। सबसे मेन बात तो क्या है, नाइस हमारे दीदी यानी नाइस, बहुत टेस्टी। इसी तो बहुत मिर्ची खाती है। मिर्ची है, अगर इसको अगर गरम गरम खाने से तो मुंह जल लेंगे। हाँ हाँ ये तो ठंडा हो गया, बट टेस्ट कैसा है? टेस्ट तो मस्त है, मस्त है, अच्छी लगी। भाई ये पास हो चुकी है, पुनीता और ले रही, वही मैं कह रही हूँ भाई मन कर रहा है और लेने का इसको। हम फाइनली बाय बाय, अभी हमें बहुत काम भी करना है कि कल हो रही है हमारी वीडियो रिलीज जो कि है सास बहू पर। आई नो आप लोगों ने देख ली होगी, बाय बोल दो। बाय बाय बाय, फाइनल वाला। Nope.